अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है इस लेक्चर एट नाइन सॉरी लेक्चर नाइन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो पहले हम प्रेशर देखते हैं लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, वो है चेक इट आउट द ओएसआई मॉडल, its various layers, functionality of each layer, logical and physical connections. Okay. तो लेक्चर के लास्ट में हमने देखा था कि इफ वी हैव टू सिस्टम्स दैट आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर मस्ट बोथ हैव अ रनिंग प्रोटोकॉल स्टैक इंस्टॉल्ड, then only they will be able to communicate with each other. So there should be a protocol stack running. Then we told that this is the physical connection, the real link, the real physical link. So this is the protocol stack: application, presentation, session, transport, network, data link layer, and physical. And here also we have application, presentation, session, network, transport, data link, and physical. उसके बाद हमने ये भी बोला था कि हर एक जो layer है वो दूसरी layer के साथ logically communicate करती है। और साथ में हमने ये भी बोला था कि जो डेटा हम असल में जनरेट करते हैं इस इंटरफेस पे, वो डेटा का हर एक लेयर पे अपना अपना नाम है। लाइक इन तीन लेयर्स में उसको हम डेटा ही बोलते हैं, देन वी विल कॉल इट एज सेगमेंट हियर, वी कॉल इट एज पैकेट हियर, वी कॉल इट एज फ्रेम हियर, एंड वी कॉल इट एज बिट्स। तो मोस्टली जो डेटा कम्युनिकेशन हमारा है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला, सो ये यहां पे अप टू नेटवर्क लेयर एंड हाफ ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर तक हमारा होता है। और जो हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स का सिलेबस होता है, दैट्स मोस्टली है। सो डेटा कम्युनिकेशन को देखने के लिए वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस लेयर, दैट इज फिजिकल लेयर। एंड व्हाट इज दिस फिजिकल लेयर रिलेटेड टू? इट इज रिलेटेड टू bits. How are these bits represented as they go along this physical link? That means, are they represented as voltage? Are they represented as current? Or change in the resistance, etc., whatever. Then second thing is, how do these bits flow along this real physical channel? So pehla ho gaya, how do we represent these bits? The second is, how do they flow? So obviously, अब हमें देखना है कि हाउ डू दे फ्लो, सो वी विल हैव टू चेक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स व्हाई दे फ्लो। सो अगर हम बिट्स फ्लो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कौन कौन सी हमारे पास लिंक्स हैं जिन लिंक्स के थ्रू आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा पाए।
So this is, these are the things that we will be studying in our physical day. The first and the foremost thing is the representation. So, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है तो इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के लिए ये चीज समझनी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर्स जो डेटा कम्युनिकेशन पार्ट में है. बिकॉज डेटा कम्युनिकेशन इज अ वैरीड सब्जेक्ट, ये कंप्यूटर साइंस भी पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ता है, कम्युनिकेशन वाले भी पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, जनरलाइज सब्जेक्ट. सो तो सबसे पहले बिट रिप्रेजेंटेशन. हाउ आर दीज बिट्स रिप्रेजेंटेड? So, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा समझने के लिए, हमें एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी या हम बोल सकते हैं केस स्टडी हमें करनी होगी. ठीक है, सो लेट अस टेक इन अकाउंट जो लगभग सबके घरों में आजकल होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड. ये ब्रॉडबैंड दो तरीकों का होता है, या तो एक एडीएसएल वाला होगा या ये होगा फाइबर वाला. ठीक है, एडीएसएल हो गया वो जिसके लिए आपको क्या लगती है टेलीफोन लाइन, और फाइबर हो गया जिसके लिए आपके पास लगता है ऑप्टिकल फाइबर. सो चूंकि कश्मीर के लिए फाइबर नया नया है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, सो वी विल चेक आउट एडीएसएल, दैट इज ब्रॉडबैंड दैट कम्स टू आवर होम थ्रू टेलीफोन लाइन. सो क्या होता है इसमें, मेन मोटिव हमारा है कि जो हमारा इंटरनेट है इसके साथ जुड़ जाना है. सो ये हमारा घर ठहरा जिसमें हमने ब्रॉडबैंड मॉडेम लगाया हुआ है. इस ब्रॉडबैंड मॉडेम की एक साइड से आपका कंप्यूटर सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, अगर इसको वाईफाई का एक्सेस हो गया तो आपके वाईफाई के डिवाइस जुड़े होंगे लाइक योर मोबाइल फोन, और खुद ये पोल्स पे जाके जो तार है लास्ट में पहुंचे डीपी बॉक्सेस पे जाके लास्ट में कहां पहुंच जाती है, इट मूव्स टू द एक्सचेंज, मेन एक्सचेंज. लेट अस सपोज यहां पे जो हमारा एक्सचेंज है दैट इज सोरा एक्सचेंज, और उसके बाद एक्सचेंज इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो वी गेट आवर डेटा फ्रॉम दिस मेन एक्सचेंज थ्रू आवर डीपी बॉक्सेस, देन थ्रू दिस वायर गोज ओवर दिस टॉवर्स पोल्स इन फैक्ट, और उसके बाद ही पहुंच जाता है हमारे पास हमारे ब्रॉडबैंड बॉक्स में, एंड देन वी कनेक्ट आवर पीसी लैपटॉप थ्रू वायर्ड कनेक्शन लाइक इथरनेट और थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन लाइक वाईफाई, एंड वी गेट द एक्सेस टू द इंटरनेट. तो अगर हमें यहां पे बोला जाए कि यहां पे होस्ट कौन है और यहाँ पे नोड्स कौन है, तो इस लिहाज से हमारे पास जो ग्रह बनेगा हम बोलेंगे ये जो हमारे पास है मोबाइल फोन है M1, दिस इज द होस्ट, उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम C1 इज द होस्ट, दे बोथ आर कनेक्टेड टू दिस नोड दैट कॉल्ड ब्रॉडबैंड मॉडेम. ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू योर मेन एक्सचेंज दैट इज अगेन अ नोड, क्योंकि उसके साथ और बहुत सारी लाइन जुड़ी होगी जो हमने अभी नहीं दिखाई, उसी के साथ जुड़ा हुआ आपके पास इंटरनेट का मेन बैकबोन. अब ये मोबाइल फोन और हमारा कंप्यूटर, दीज आर द होस्ट.
So, जो हमारा प्रोटोकॉल स्टैक जिसे हमने बोला अभी, that will obviously run in both on mobile as well as computer. और इस प्रोटोकॉल स्टैक का एक हिस्सा, it's not necessary that from application layer to physical layer सारा, but mostly जिस लेवल पे काम कर रहा होगा node, उसमें भी वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सेट जो है वो स्टैक है वो लिखा होगा, that will be programmed inside. अब बेसिक मॉड्यूल हमारा ये है कि अगर हमने इस पर्टिकुलर सिनेरियो को लिया तो हमें पहले देखना है हाउ आर दीज बिट्स रिप्रेजेंटेड एट द फिजिकल लेयर. मींस अगर हमने यहां पे इस कंप्यूटर से क्या करना है, वी हैव टू मेल फॉर एग्जांपल मुझे abc एट द रेट ऑफ gmail.com वाला एड्रेस पे मेल करना है. तो बहुत सारी चीजें होंगी. सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन खुलेगा, जो एप्लीकेशन लेयर और जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस का काम होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, वो आपको देंगे यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप डालेंगे abc@gmail.com. फिर आप क्या करेंगे, काम लिखेंगे मेल, मेल की बॉडी कुछ अटैच भी करना होगा तो अटैच करेंगे. लास्ट पे यहाँ पे लिखा होगा सेंड. जो आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो सारा डेटा है प्लस अटैचमेंट अटैचमेंट ये बन जाएगा एक डेटा सेगमेंट, हम बोल सकते बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा. अब उसके बाद हर एक लेयर अपना अपना काम इस डेटा पे करेगी जो उनका काम है. सो लेट अस सपोज सबसे पहले ये आ गया एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है. सो एप्लीकेशन लेयर में जो एप्लीकेशन लेयर है उसने इस डेटा पे काम किया, तो डेटा है जो हमने लिखा हुआ है, लेकिन उसने इसके साथ एक एक्स्ट्रा डेटा रखा होगा जो इसके इस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि ये कैसा डेटा है. बिकॉज ऑल ऑफ द थिंग्स एंड लास्ट कम इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, तो आपको हर एक बिट का हिसाब रखना पड़ता है कि ये बिट जो है ये ऑडियो की बिट है, ये वीडियो की बिट है, ये पिक्चर की बिट है, ये किस पर्टिकुलर स्टैक पे कौन सी काम वाली बिट है, ये कंट्रोल वाली बिट है, स्टेटस वाली बिट है, कौन सी बिट. So you have to keep it in mind always. So हर एक बिट का हिसाब होता है, हर एक बिट की पहचान होती है. So अगर हमने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो बिट्स हैं, ये सारी बिट्स जो हैं, they are the real information जो हम भेजना चाहते हैं. Let's suppose sir please find the attachment here. तो नीचे आपने कुछ word file भेजी होगी, वो सारा आपके पास इसमें. उसके बाद इससे related जो information इसने रखा होगा, so what will be that? वो होगा कि it is the protocol will be simple mail transfer protocol या let us suppose POP post office protocol. means उससे हमें समझ आता है कि ये particular जो हमारे पास information है, जो data है, ये हमें किसके through ले जाना है, through mail. so this is the data for mail, not for browsing, not for file transfer, not for downloading and uploading and other things, not for video conferencing and other application, but it is for mail. so सबसे पहला काम यही होगा. इसको हमें अच्छे से देखना है, मैं ओवरऑल बोलूंगा. उसके बाद नीचे आ जाएगा ये और नीचे इंतजार करना है आपको प्रेजेंटेशन लेयर. सो मैंने बोला कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो नॉर्मली हमारे पास एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और कंप्रेशन डिकम्प्रेशन में हेल्प करता है. सो अगर आपके पास ये फाइल बहुत ज्यादा साइज की है, सो यू हैव टू यूज सम कंप्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है. सो वो कंप्रेशन एल्गोरिथम में हम प्रेजेंटेशन लेयर लगा के, उतना ही नहीं इसमें जो डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड फाइल यहाँ पे इसमें डाल दी थी, वो किस फॉर्मेट में है, वो doc फॉर्मेट में है, .docx फॉर्मेट में है, या वो .ota फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है, तो वो पर्टिकुलर चीज जो है वो कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द प्रेजेंटेशन लेयर. सो प्रेजेंटेशन लेयर ने इस पे अपना काम किया, तो जो प्रेजेंटेशन लेयर को मिल गया था डेटा वो ये है, ठीक है. अब प्रेजेंटेशन लेयर इस पे अपना काम करेगा और जो उसने काम किया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये इसके साथ रखेगा. क्यों रखेगा साथ? बिकॉज जब ये डेटा यहाँ से उतर के फिर फिजिकल लेयर से उतर के पहुंचेगा वापस दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल प्रेजेंटेशन लेयर पे, वहां पे उस प्रेजेंटेशन लेयर को पता चलना चाहिए कि मुझे इस पे क्या करना है. सो उस वक्त वो वाला प्रेजेंटेशन लेयर असल में इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से इसको पता चलेगा व्हाट आई हैव टू डू विद दिस इंफॉर्मेशन.
मुझे इसको किस पर्टिकुलर तरीके से डिकम्प्रेस करना है, मुझे इसको किस एल्गोरिथम से मतलब कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेट इसको लेना, उसको डिफॉर्मेट करना है, सो दैट आई कैन शो यू, आई कैन ब्रिंग यू टू द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। सो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं अभी हेडर, HEADER हेडर, और इट इज आल्सो कॉल्ड मेटा डेटा। मेटा डेटा हेडर हो गया, हेडर हेड एक्स्ट्रा बार, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं सर पे कुछ रख रहा हूं, दैट विल बी द एक्स्ट्रा हेडर मेरे पास जो है, मीन असल में जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ हम और इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं, और इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं, वही बन जाता है हमारा हेडर। और मेटा डेटा हो गया दूसरा इसका ये टर्म है, मेटा डेटा मींस डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। सो इट्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, सो हेडर इज एक्चुअली मेटा डेटा। ओके, द सेम वे देन आई विल हैव सेशन। अब सेशन लेयर का क्या काम है, उसका काम है चेक करना, ओ इसकी लेंथ जो है ये बहुत लंबी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे जाने दूंगा जो बाकी वाले लेयर्स है उनके लिए जो लेंथ है वो बहुत ही बड़ी है, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कट इट, लेट मी कट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा काम, उसके बाद मैं सेशंस क्रिएट करूंगा कि ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ से आया था इस पर्टिकुलर ये एप्लीकेशन से रिलेटेड, सपोज जो ऊपर एप्लीकेशन है इसका नंबर मैंने 1 रखा था, ये इसको बोलेगा यहाँ पे ये है 1.1, ये है 1.2 और ये है 1.3, क्योंकि 1.1 के टुकड़े इनके 3 टुकड़े हो गए, हर एक को अब ये वाला इंफॉर्मेशन अलग से अपेंड करना है, सो हर एक को अपना हेडर अलग से अपेंड किया जाएगा ताकि डिफरेंट सेशन में भी जाए लेकिन लास्ट में फिर वापस आ जाए, ठीक है। सो सेशन विल बी डूइंग दीस थिंग्स ऑन इट, और जब सेशन अपने अपने सेगमेंट्स निकालेगा, मैं एक ही सेगमेंट दिखाऊंगा तो उसका अपना होगा ये इंफॉर्मेशन और सेशन से रिलेटेड अपना हेडर, तो हम उसको बोलेंगे सेशन हेडर। सेम वे इट गोज थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर, वो अपना हेडर लगा देगा, देन इट विल गो टू द नेटवर्क लेयर, वो अपनी इंफॉर्मेशन डाल देगा, लाइक नेटवर्क लेयर नॉर्मली डालता है सोर्स एड्रेस, उसके बाद डालता है डेस्टिनेशन एड्रेस, क्योंकि नेटवर्क लेयर से ही उसको पता चलता है कि इसको कहाँ जाना है, सो द सोर्स एड्रेस ये कहाँ से निकला, डेस्टिनेशन एड्रेस इसको कहाँ जाना है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी पुट इन नेटवर्क लेयर। देन उसके बाद आ जाता है ये डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर में मैंने बोला इसमें इसको बन जाता है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, अगेन ये जो ऊपर से आ गया फिर हम पैकेट में बोलते हैं, उसमें हम और हेडर्स ऐड करते हैं ताकि ये हमें लोकली चले, दैट मींस विद इन अ नेटवर्क, ए नोड टू नोड, तो हमने बोला था नोड टू नोड ट्रांसफर के लिए, और जो नेटवर्क लेयर जो है ये नॉर्मली लगता है फॉर होस्ट टू होस्ट ट्रांसफर के लिए, सो नोड टू नोड ट्रांसफर के लिए जो भी इसमें लिखना है इसमें लोकल इसको देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस लोकल सोर्स एड्रेस देना पड़ेगा, वो चीजें देके देन इट विल रीच टू फिजिकल लेयर एंड दिस फिजिकल लेयर विल हैव ऑनली बिट्स। और इस फिजिकल लेयर को कुछ भी नहीं पता है, नथिंग, दैट मींस इस फिजिकल लेयर के पास इसको बिल्कुल भी नहीं पता ये 1 बिट जो है यहां पे इट कैन बी पार्ट ऑफ द हेडर फ्रॉम your data link layer, this zero can be part of the header from your session layer, this one can be part of the bit जो आपकी information है, लेकिन इसको ये चीजें नहीं पता। इसका काम basically है, इसके पास जो सारी bits आ रही हैं, इनको किसी तरीके से link पे ले जाना है, ठीक है, और वो भी बहुत fruitful तरीके से, so that you can put it on the medium और ताकि वो दूसरे side पे जहाँ तक इसको जाना है, जो next node है वहां तक पहुंच सके। सो उससे रिलेटेड जो बेसिक बेसिक चीजें हैं लाइक जो हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, लाइक डिफरेंट जो हमारे पास मॉड्यूलेशन, ठीक है, डेटा रेट्स हैं, बैंडविड्थ, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इन चीजों का ख्याल रखें। So physical layer normally deals with bits, so there is nothing like intelligence. कहाँ से आया, किधर आया, क्या? Simply इसको ऊपर से मिल गया data link layer से in the form of bits 001, और उसके बाद इस पे इसका काम है इसको link पे छोड़ दें। इसीलिए हमने बोला कि अब हमारे पास ये जो bits हैं,
how they are represented now and how they are put on the links, how is the flow maintained and other things maintained, that will be the part of the physical layer. Ab usi mein hamare paas sabse pehli cheez jo hai that is bit representation. So we know from our digital electronics ki jo hamare paas bits hain they are represented as zeros and ones no matter, because the signals that we deal with are digital continuous in nature. Means जो signals हमारे पास हैं, जिन पर हमारे devices काम करते हैं, हमारे devices हैं कि हमारे nodes और हमारे host, they work on a type of signal called digital continuous signal. तो कैसे हम represent करते हैं digital continuous signal को? With respect to time. It's time. And this is voltage. So सबसे पहली बात की जो हमारे पास represent हम करते हैं हमारे signal उसको, जो चाहे वायरलेसली जाए या वायर्ड लग जाए, सो मोस्टली दे आर वोल्टेज सिग्नल्स. सो दो चीजें हैं, एक है इंफॉर्मेशन और डेटा और दूसरी है सिग्नल. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इंफॉर्मेशन या डेटा हो गया द थिंग दैट वी हैव टू सेंड, इंटेलिजेंट सिग्नल जो इंटेलिजेंस दैट जो हमें भेजनी है, चाहे वो एक मेल हो या चाहे हमारा डाउनलोड करना, जो भी चीज हमारे पास है, जब तक ये सिंपली है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, जो कि हमें ऑलरेडी पता है हाउ वी रिप्रेजेंट द पिक्चर्स, द ऑडियो, द वीडियो, द कंट्रोल एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, जब तक ये कहीं किसी जगह पे है और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सम स्टेट्स, देयर आर सपोज हार्ड डिस्क में स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, DVD drive में stored है in terms of opacities and transparency, ठीक है, हमारे SSD में stored है in terms of capacities of MOSFETs, etc. तो ये जब तक यहाँ पे है, they are in the form of information. So information stored है कहीं पे, data stored है कहीं पे. लेकिन जब इसको हमें क्या करना है, जब इस information को धक्का देना है और इसको हमने बोला चलो आप एक जगह से दूसरी जगह जाना है along a line और wirelessly. So then ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर सकता, ये डेटा खुद ट्रैवल नहीं कर सकता. मींस आपके पास जीरो और वन जो है इनके पास देयर आर नो लेग्स सो दैट दे कैन वॉक. अगर ऐसा होता तो ये चलते. मसला ये है कि जो आपके पास लाइंस पे चलते हैं दे आर सिग्नल्स और मोस्टली वोल्टेज सिग्नल्स, और वही हम यहां पे बोल रहे हैं व्हाट इज अ वोल्टेज सिग्नल. सो वोल्टेज सिग्नल जो आपके पास हो गया, व्हाट इज अ सिग्नल, सिग्नल इज द वेरिएशन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी. ये अदर फिजिकल क्वांटिटी वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट होती है और हमेशा हम उसको एज टाइम ही लेते हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इफ वोल्टेज इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन पुट इट ऑन द वायर एंड इट विल ट्रैवल, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, बिकॉज़ वोल्टेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमारे पास वोल्टेज साइड से हमने इसको किया है डिस्क्रीटाइज, सो वी विल कॉल इट एज डिजिटल. और अगर डिस्क्रीटाइज नहीं किया है तो वी कॉल इट एज एनालॉग. सेम वे अगर हमने टाइम साइड से इसको डिस्क्रीटाइज किया है टाइम को, वी कॉल इट एज डिस्क्रीट. और अगर हमने डिस्क्रीटाइज नहीं किया है टाइम साइड से, यानी कंटिन्यूअस रखा है, हम बोलेंगे इसको कंटिन्यूअस. दिस इज द कांसेप्ट फ्रॉम सिग्नल्स. मीन इफ वी हैव अ वेव दैट इज गोइंग लाइक दिस, so this particular wave is defined at every instant of time. So we haven't discretized the time. It's defined at every instant. आप हर एक time instant पर बोल सकते हो what is the value of the signal.
Same way, what are the values that this signal can take? It can take any value between this 0 and this V. क्योंकि इसने लिए हुए हर एक वैल्यू इसने यहां से लिया हुआ है. सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल विल बी कॉल्ड एज डिसकंटीन्यूअस इन टाइम एंड इट्स एनालॉग. सो इट्स एन एनालॉग कंटीन्यूअस सिग्नल. अच्छा, दूसरी सिग्नल हमारे पास कुछ ऐसी होती है. इसमें क्या हुआ है काम, पहले हमने टाइम में हिस्से किए हुए. सो वी आर डिफाइनिंग द सिग्नल्स एट पर्टिकुलर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. सो दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट इन टाइम. और जो आपके पास वैल्यूज है वो पता नहीं, ऐसे ऊपर थोड़े, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वहां कभी यहां, मीन एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड वी, इसका मतलब है वहां से है एनालॉग. तो ओवरऑल जो सिग्नल बनेगी that will be, it is analog discrete. So it is discrete in time, but it is analogous in voltage domain. Then we have the third signal, जो ऐसे होती है. अब अगर इसको देखोगे, this signal can be represented at any time instant or every time instant. So it's continuous in time. मगर जो values पकड़े हुए हैं ना वो है ये, 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 ये हो गया वापस ही और ये. इसका मतलब इसने कोई और particular value voltage में नहीं पकड़ा हुआ है, वही वही values पकड़े हुए हैं जो जो यहाँ पर designated है, 1, 2, 3. तो हर time पे इसको इन्हीं values में से एक value मिलता है. So it means it is digital in voltage domain, but continuous in time domain. So this will be called as a digital continuous signal or continuous digital signal. And then we have a fourth type of wave, जो मैं इसको बनाऊंगा. For example, इसने ये values यहाँ पे पकड़े हुए, ये values नहीं है. इसने ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, यहाँ पे दूसरी लेवल पकड़ी, यहाँ पे दूसरी लेवल पकड़ी, यहाँ पे दूसरी लेवल पकड़ी, फिर यहाँ से ये लेवल पकड़ी और यहाँ पे ये लेवल पकड़ी. तो जो आपके पास ऐसी वेव आएगी, एक तो वो डिस्क्रीटाइज्ड है टाइम में, क्योंकि टाइम में किसी किसी इंस्टेंट पे मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ. इतना ही नहीं, वोल्टेज के साइड से भी मैं इसको किसी किसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूँ. सो दिस टाइप ऑफ वेव जो अब बन गई है विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट डिजिटल. सो इनमें से मेरे पास कौन सी वेव है जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, जो हमारे डिवाइस इस्तेमाल करते हैं हमारे सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज दिस टाइप ऑफ वेव, दैट इज कंटिन्यूअस डिजिटल और डिजिटल कंटिन्यूअस. अब डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल के कुछ पैरामीटर्स होंगे. क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल के, वो देखेंगे. So now you have got this digital continuous signal like this. Like this. लेकिन digital continuous signal के लिए हमें जरूरी यहाँ पे बोलना है कि हमारे पास कौन कौन सा level है. So मैंने यहाँ पे चार level रखी हुई, like 0, 1, 2, 3. तो जो different digital continuous signals होंगे उनमें क्या होगा, सबसे पहला parameter वो ये होगा कि आपने कितनी लेवल्स रखी, द नंबर ऑफ डिस्क्रीट लेवल्स.
किस डोमेन में, इन वोल्टेज डोमेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास द नंबर ऑफ लेवल्स के वेरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसके बिना फिर डिफरेंट डिफरेंट कंटिन्यूअस सिग्नल बनेंगे डिजिटल वाले। और टाइम के हिसाब से हमें क्योंकि हर टाइम पे इंस्टेंट पे डिफाइंड है तो हमें वहां से परेशानी नहीं। सो ऑन द बेस ऑफ दीज नंबर ऑफ डिस्क्रीट लेवल्स इन वोल्टेज डोमेन वी हैव डिजिटल सिग्नल्स लाइक बाइनरी, तो आप बोलेंगे उसको फुल अगर बोलेंगे तो बाइनरी, कंटिन्यूअस डिजिटल सिग्नल, इट्स बाइनरी कंटिन्यूअस डिजिटल सिग्नल। ठीक है, सो डिजिटल है ही, सिग्नल भी है, कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यूअस इन टाइम, बाइनरी मींस टू वैल्यूज, मींस अ सिग्नल लाइक दिस जहां पे आपके पास 1 है ऊपर और 0 है नीचे। क्योंकि हम यहां पे वोल्टेज रख रहे हैं सो मैं बोलूंगा 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, सो सिग्नल विल बी लाइक दिस। कैसे भी ऊपर नीचे करो, लेकिन जैसे ही ऊपर नीचे करोगे ऊपर वाला 1 होगा और नीचे वाला होगा 0 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज योर बाइनरी डिजिटल कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे नहीं मुझे 3 रखने हैं, तो रख लो 3, कोई नहीं रोकेगा, इट्स अगेन अ डिजिटल सिग्नल। मींस आप यहां पे 0 वोल्ट रखा, 5 वोल्ट रखा और -5 वोल्ट रखा, सो द सिग्नल कैन गो लाइक दिस जैसे भी जाएगी, लेकिन 3 चीजें पकड़ेगी, आइदर 5 वोल्ट और -4, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास सिग्नल है इट वुड बी नाउ बाइनरी बिकॉज इट इज 3, इट विल बी टर्नरी कंटिन्यूअस डिजिटल सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स है, सो वी हैव 3 थिंग्स, 5 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड -5। सेम वे जो मैंने यहां पर दिखाया 0, 1, 2, 3 इट विल बी क्वार्टरनरी, क्योंकि आपके पास इसमें 4 डिफरेंट लेवल्स है। मैक्सिमली जो हमारा काम है वो किनके साथ होता है, दैट इज विद बाइनरी डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल्स या बाइनरी कंटिन्यूअस डिजिटल सिग्नल्स, दोनों एक ही बात है। ओके, अब ये जो बाइनरी डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल हमने ले ली, ये भी एक दो तरीके की हो सकती है। एक है यूनिपोलर और दूसरी है पोलर। So if your signal is like this, कि उसका जो एक state है that lies on the baseline, that is 0 volt, और दूसरी जो है वो ऊपर की ओर है, या 0 volt और दूसरी जो है वो नीचे की ओर है, मीन ऐसे, ठीक है, that is suppose -5 volts। तो इन दो सिग्नल में पोल एक ही है, जीरो इज नॉट रियली टेकन एज अ बेसलाइन, सो दिस इज अ बेसलाइन, इट्स नॉट अ पोल, सो पोल यहां पे 5 वोल्ट, यहां पे -5 वोल्ट है, सो ये भी आपके पास यूनिपोलर सिग्नल हो गई, ये भी आपके पास यूनिपोलर सिग्नल है। सो बिकॉज़ यू हैव ओनली वन पोल, यूनि मींस वन पोल मींस पोल, सो यू हैव वन पोल मींस अ यूनिपोलर सिग्नल। हां, अगर हम सिग्नल को ऐसे बनाएं, नाउ दिस अगेन योर 0 वोल्ट दैट इज बेसलाइन, आपके पास है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट, और आपने सिग्नल को ऐसे बनाया है, सो अगेन जो आपके पास सिग्नल है ये बाइनरी ही है, ये दो ही है, मगर इस वक्त जो दो लेवल इसके, एक है +5 और दूसरी है -5, तो इसमें ये पोलर है, पोलर में जिससे दोनों पोल्स हो, ठीक है, तो दिस विल बी अ पोलर सिग्नल। सो इस अगर मुझे बोलना हो इस का पूरा नाम मैं बोलूंगा
इसका पूरा नाम है पोलर बाइनरी डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, यूनिपोलर बाइनरी डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल। इनकी अपनी अपनी एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज है जो हमें आगे देखना है जब हमें वो टॉपिक आएगा। और एक चीज जो यहां पर बोलनी जरूरी है, दैट इज हमारे पास एक और टाइप ऑफ सिग्नल आता है, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर। ये थोड़ा सा मिस नोमर है बाइपोलर, लेकिन बाइपोलर वो पर्टिकुलर सिग्नल होती है नॉर्मली जिनमें तीन स्टेट्स, एक तो आपके पास जीरो बेसलाइन पे भी सिग्नल होगी, आपके पास प्लस पांच वोल्ट साइड से भी सिग्नल होगी, माइनस पांच वोल्ट से भी सिग्नल होगी। इट विल बी लाइक दिस, यू हैव प्लस फाइव वोल्ट आल्सो, यू हैव जीरो आल्सो एंड यू हैव माइनस वन, सो दो पोल्स बाइपोल, बट द बेस आल्सो, सो इट विल बी कॉल्ड एज बाइपोलर सिग्नल, बाइपोलर, बट इट इज नॉट बाइनरी सिग्नल नाउ। So bipolar signal can't be binary. Okay. Next parameter जो इसके साथ associated है, that is periodicity. जो हमारे डिजिटल इनफैक्ट बाइनरी डिजिटल कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स हैं, वेदर दे आर पीरियोडिक और नॉट। सो पीरियोडिसिटी आपको पता है, इफ यू हैव अ सिग्नल एक्स ऑफ टी, इट इफ इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, वेयर दिस कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड, सो देन वी विल कॉल दैट दैट सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल, mean that repeats itself at equal intervals of time, like this signal. So, iska period jo hoga, that will be this. Kyunki is time ke baad ye khud ko repeat kar raha hai. It's repeating itself after equal intervals of time. So, this will be called its time period. And this is your x of t and this t. Okay. Or it's not necessary that always you have such signals that periodic. So the periodic signals that you have binary digital continuous periodic signals, if it's like this, or you have unipolar, this is polar. So this can be also taken as a periodic binary digital continuous signal. ये क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ? Because these periodic unipolar or polar binary digital continuous signals are taken as a clock signal. और ये clock signal communication, यानी कि data communication में और ये physical layer पे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा मकाम रखते हैं, because everything is done with respect to these clock signals. आपके पास data जो हो सकता है, that can be anything. That can be 1111110111. That can be 0000101011111, whatever. Give it different. There are lakhs of combinations possible for different bits, है ना? So that can be the data. मगर कौन सी ऐसी चीज है जो असल में बोलता है कि data जो जा रहा है वो किस speed से जा रहा है, किस reference से जा रहा है? Mostly the reference with respect to time, because now we have two references here when this signal will be going. एक हमारे पास टाइम रेफरेंस, दूसरे हमारे पास वोल्टेज रेफरेंस। सो इन दोनों रेफरेंसेस का हमें ख्याल रखना है। सो व्हेनेवर अ सिग्नल विल बी गोइंग ऑन अ वायर,
or it will be transmitted wirelessly. So the signal has to go through two references. The first reference is time reference, the second reference is voltage reference. Matlab, what will voltage reference give me? Voltage reference will give me simply whether your signal is having state 1 or state 0. Or I can simply say whether our signal has logic 1 or logic 0. Kyunki ye sara jo 1 aur 0 ka khel hai, it is dependent on being 0 volts and 5 volts. इसका मतलब है, we have to have a reference. Either it will be 0 volt that is ground as a reference, or our 5 volt, the highest voltage VCC as a reference, जो हमें बोलेगा कि current signal जो हमारी आ रही है, the signal that is coming, ठीक है? What it is it 5 volts or is it ground? इतना ही नहीं, ये जो हम अभी देख रहे हैं, जो हम हिसाब किताब कर रहे हैं, it's all idea. सब कुछ आइडियल देख रहे हैं, 5 वोल्ट परफेक्ट, 5 वोल्ट 0 वोल्ट परफेक्ट, 0 वोल्ट उसके बाद पीरियोडिसिटी परफेक्ट पीरियोडिसिटी. लेकिन जो रियलिटी होती है, रियलिटी इज डिफरेंट. व्हेन यू मूव इनटू द रियल वर्ल्ड ऑन द रियल लाइन, आप यहाँ पे एक सिग्नल दी होगी जो बहुत ही उमदा होगी, उमदा इन द सेंस इट विल बी आइडियल. आपके पास 5 वोल्ट बराबर होंगे, 0 वोल्ट 0 वोल्ट पे बराबर होगा. But as it goes along the line and we receive it at next point B, so we started at point A, जहाँ पे ये signal डाली थी line पे, एक voltage signal, and then at point B when we receive it, ठीक है? It's not like that. इसमें आ गया होगा बहुत change, ये कुछ ऐसी बन गई होगी. Why? Because of the thing जो हमें अलग एक lecture इसके लिए जाएगा, that is called because of transmission impairments, जो हमने इससे पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया. So transmission impairments means transmission में जो हमारी खराबियां होती हैं, जो हमारे पास with respect to length, यानी कि along the line change होती रहती है, बढ़ती जाती है, cumulative effect उनका होता है, ठीक है? So कौन-कौन सी चीजें वो हैं? वो है noise. अच्छा और क्या होता है? Attenuation. और क्या हो सकता है? इंटरफेरेंस और डिस्टॉर्शन, और फिर उनके बच्चे लाइक जिटर, आईएसआई, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मल्टीपाथ. तो ये ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स क्या करते हैं? हम दे सिंपली बाउंस दिस सिग्नल, पाउंड ऑन दिस सिग्नल, और इसकी हालत खराब कर देते. सो एक हालत कौन सी खराब होती है? वोल्टेज वाली. और दूसरी हालत कौन सी खराब होती है? टाइम वाली. मतलब वोल्टेज में क्या खराब आ सकती है? हमने इसको परफेक्ट 5 वोल्ट में भेजा था, बिकॉज ऑफ नॉइजेस एंड योर एटेन्यूएशन अदर थिंग्स, ये गिरते 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 3 वोल्ट पे पहुंची. अच्छा टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा? लाइट इंटरफेरेंस, उसके बाद डिस्टॉर्शन की वजह से की शक्ल चेंज हो जाएगी. अभी ये परफेक्टली अप डाउन हो रहा था अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी, तो ये पीरियोडिसिटी में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी. सो वी हैव टू कीप इन माइंड दीस थिंग्स आल्सो एट फिजिकल लेयर, कि अगर हम डेटा को भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको उस तरीके से भेजा जाए ताकि हमारे रेफरेंसेस बराबर आए. इसलिए हमारे दोनों रेफरेंसेस बोथ एट द ट्रांसमिटर साइड एज वेल एट द रिसीवर साइड, वी हैव टू हैव दीस रेफरेंसेस. One is the voltage reference and second is the time reference. और ये दोनों references जो हैं, they are well maintained by a good clock. अगर हमें एक अच्छा clock रखा है साथ, and we get a concept of synchronization from this clock. Synchronization, that is very important. When you don't have synchronization, the communication is not possible. Communication अभी तक हमारे पास digital इस layer पे क्या है कि हमने जो signal यहाँ से भेजी थी, वो बराए रास्त एक अच्छे तरीके से डेस्टिनेशन पे पहुंचनी चाहिए. जो सिग्नल जो हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इस सिग्नल में जो डेटा इसमें हमारे पास है, जिसको हमने इस पैला दिया, सिग्नल पैला दिया, वो डेटा हमें बराबर बराए रास्त यहाँ पे मिलना चाहिए, सही है? तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन फ्रूटफुल हो गया, हमारा कम्युनिकेशन बराबर हो गया, परफेक्ट हो गया. तो वो तभी पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल होता है? एक तो सबसे पहली बात है, व्हेन यू हैव फुल सिंक्रोनाइजेशन, मींस क्लॉक का बराबर हिसाब किताब. So it comes through, that means
इट इज टू टाइम रेफरेंस. सेम वे और दूसरी बात जो इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बिकॉज ऑफ एटेन्यूएशन अदर थिंग्स, इनमें वोल्टेज में चेंज आती है, वो कैसे हम सही करेंगे? बिकॉज ऑफ वोल्टेज रेफरेंस. सो वो टाइम रेफरेंस एंड वोल्टेज रेफरेंस आर गिवन बाय योर क्लॉक सिग्नल एंड दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन एवरीवेयर. तो ये हमारा था जो हमारे पास डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं, इनका ये जो दूसरा हमारे पास है दूसरा पैरामीटर है जिसको हम देखते हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी, जो हमें काम आता है किसमें, सिंक्रोनाइजेशन में. एक्चुअली हमें वो बोला था. उसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम क्या मतलब स्पेक्ट्रम का? हमारे पास बाइनरी डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल है, एक अच्छी खासी है, परफेक्ट 5 वोल्ट परफेक्ट 0 वोल्ट चलती है, लाइक क्लॉक जैसी सिग्नल. ठीक है, ये हमारे पास यहां से वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, यहां से टाइम. अब इसमें मसला है जब हम इसको देखते हैं, मतलब ह्यूमंस के लिए सबसे सिंपलेस्ट सिग्नल है. व्हाई? इट्स गोइंग 5 आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग 0, इट्स गोइंग 5, इट इज गोइंग 0. सो यू हैव टू ओनली मेंटेन टू स्टेट्स, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट पर रखना. यू सिंपल स्विचिंग टू गेट दीज सिग्नल्स. स्विच ऊपर गया तो 5 आ गया, स्विच नीचे गया तो 0. स्विच को कंट्रोल किया तो यू कैन गेट एनी सिग्नल. ठीक है, सेम वे जो ऊपर वाली एप्लीकेशन है, यानी कि जो हमें ह्यूमंस हो गया, इसी तरीके से जो ऊपर वाली लेयर्स है, प्रेजेंटेशन सेशन नेटवर्क, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, उनके लिए भी जो ये हमारे पास ये सिग्नल है, यानी कि डेटा इन दिस फॉर्म, इट्स वेरी गुड, 5 स्टार्स. ठीक है, बिकॉज दे कैन इजीली अप्लाई. जब आपके वजह से मैं प्रेजेंटेशन लेयर की बात करूंगा, इट हैज टू अप्लाई द कंप्रेशन टेक्निक्स, द एन्क्रिप्शन टेक्निक्स एंड अदर टेक्निक. वी नो दैट कि डिजिटल डोमेन में प्रोसेसिंग बहुत ईजी होती है, सो उनको प्रोसेस करना इट्स वेरी वेरी ईजी. मजे ले गए तो अगर मुझे कोई बोलेगा मेरे पास 2 सिग्नल्स है, एक सिग्नल ऐसी है और सिग्नल दूसरी ये है, एक किसी भी ह्यूमन को बोलेगा वो ऑब्वियसली बोलेगा कि ये जो है सिंपल है, क्योंकि सीधे ऊपर जा रहे नीचे जा रहे ऊपर जा रहे नीचे जा रहे. और ये जो हमारे पास साइन वेव है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिग्नल, टेक्स मेनी वैल्यूज एज इट गोज अलोंग टाइम बिटवीन दिस 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट विल टेक ऑल द वैल्यूज, इट्स अ डिफिकल्ट सिग्नल. ये हो गए हम बंद. लेकिन जब हम यही चीज डाल देते हैं नीचे एट लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब मैं ये बोलता हूँ एक मॉडेम को, जब मैं यही चीज बोलता हूँ एक हब को, जब मैं यही चीज बोलता हूँ एक वायर को, समझ रहे, वो वाले बंदे दैट वर्क ऑन एक्चुअली दैट वर्क ऑन दिस फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर. ठीक है, वो बोलते हैं हमारे लिए साइन वेव बहुत आसान है, इज वेरी इजी to deal with as compared to dealing with the binary digital continuous signal. मसला है क्यों? इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया था स्पेक्ट्रम. क्योंकि जब हम देखते हैं, हम इस सिग्नल के साथ जब काम करते हैं, we do it in time domain. तो हमें सीधे मिलती है सिग्नल ऊपर नीचे हो रही है. ठीक है, यहाँ पे भी हम टाइम डोमेन के हिसाब से बात करें तो हमें दिख रही है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. लेकिन असल में जो हमारे पास जो वर्किंग तो ये होते हैं, जो हमें फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं बंदे, दे एक्चुअली हैव टू वर्क विद द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम मींस द फ्रीक्वेंसीज, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द सिग्नल. सो ऑब्वियसली जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसीज के साथ जूझना होगा उतना मुश्किल है, जितना कम फ्रीक्वेंसी के साथ जूझना होगा उतना आसान है. समझे? तो अगर मैं बोलूंगा एक मॉडेम को, एक हब को, जो कि एक सिंपल एम्पलीफायर हो, सो लेट अस सपोज लेट अस टेक अ रिपीटर, लेट अस सपोज इट्स एन एम्पलीफायर,
और फ्रॉम योर प्रायर इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज एम्पलीफायर के पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है गेन और दूसरा होता है बैंडविड्थ। इनफैक्ट देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वी मेंटेन अ ट्रेड ऑफ इन एम्पलीफायर्स। सो एम्पलीफाई करनी है हमें एक छोटी सी सिग्नल, एक बड़ी सिग्नल बनेगी, क्या इतना ही एम्पलीफिकेशन नहीं, एम्पलीफायर मान बोलता है वहां से जो आप यहां पे सिग्नल दे रहे हो इसको कितना बड़ा करना है। सो इसका गेन क्या है, लेट सपोज अल्फा, ये 400 टाइम्स के बढ़ाना है। और ये एम्पलीफायर देखता है कि ये जो आपने सिग्नल भेजी ये सिंपल सिग्नल है कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। सिंपल सिग्नल इसके लिए है सिंपल साइन के लिए, और कॉम्प्लेक्स सिग्नल इसके लिए ये है जैसे मैंने अभी बोला। Why? क्योंकि ये जो आपके पास सिग्नल है इसमें बैंडविड्थ ही नहीं है, इट्स अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, इट हैज गॉट ओनली वन फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब आप ये सिग्नल इसको दे देते हो ये बोलते हो अरे यार इस पे तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज है, मैं क्या करूंगा इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक परेशानी पड़ी हुई है कि मेरे पास अगर आप गेन ज्यादा चाहते हो तो आई नीड लेस फ्रीक्वेंसी नॉट टू मोर गेन, मींस बैंडविड्थ शुड बी लेस। And if you need want to incorporate more and more frequencies, means you want to increase bandwidth, I won't be able to provide you more gain. So इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, inversely proportional है। In an amplifier, if you want to increase the gain, you have to keep bandwidth less. And if you want to increase the bandwidth, the gain will be less. Then you have to maintain a trade-off. ये कितना बैंडविड्थ रखें और कितना गेन रखें। तो इसीलिए ये तो एम्पलीफायर की बात हो गई, सेम फॉर अदर डिजिटल डिवाइस जो भी हमारे पास होंगे। सो अब आप बोलोगे सर इसमें की इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज कहां से आ गई, क्योंकि इट इज अ डिजिटल वेव, इसकी जो बेस्ट केस होती है दैट इज अ स्क्वायर वेव, ठीक है, यानी कि क्लॉक वेव। और उस स्क्वायर वेव का आपने सिग्नल सिस्टम में देखा होगा कि हमें तो लगती है टाइम डोमेन में सिंपल स्क्वायर वेव है, लेकिन जब हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में अध्ययन करते हैं वी हैव टू यूज एनालिसिस कॉल्ड फोरियर एनालिसिस। सो दैट फोरियर एनालिसिस कैन बी योर फोरियर ट्रांसफॉर्म और इट कैन बी योर फोरियर सीरीज। सो अगर हम फोरियर सीरीज को लेते हैं, बिकॉज मैंने एक पीरियोडिक सिग्नल ले ली, सो फोरियर एनालिसिस सीरीज क्या बोलता है कि जो भी आपके पास एनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक वेव इज कंपोज्ड ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये सिग्नल यहां पे 2 हर्ट्ज की है, सो इसमें अंदर प्रेजेंट है एक साइन वेव 2 हर्ट्ज की और उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन वेव बीइंग द हार्मोनिक्स लाइक 4 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज 8 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज 12 हर्ट्ज 50,000 हर्ट्ज 60,000 हर्ट्ज 40,000 हर्ट्ज the simplest waves in the nature, because they have got a single frequency, they are a single frequency. So, जो हमने यहाँ पे ये data wave बनाई, या digital wave बनाई, या digital waveform बनाया, so what it is made up of, it is composed of infinite number of components. When you have infinite number of components, means you have infinite number of frequencies. When you have infinite number of frequencies, how can you have gain? So your amplifier can't amplify. वो बोल मैं गेन कहाँ से लाऊँ, ठीक है? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। You don't have infinite number of components, क्योंकि अगर आप infinite number of components लाओगे, ये पूरा बन ही नहीं सकता। So you put some components, 9 or 10 or 11 or 12 components, but for the bandwidth is there as compared to your sine wave, ठीक है? और जितने आप components कम 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 करते जाएंगे, ये जो आपकी wave है, इसकी जो सूरत है, उसके अंदर भी नहीं रहेगी,
it will go like this. ठीक है, फिर और कंपोनेंट्स कम करते जाएंगे, सो इट विल गो लाइक दिस. और कंपोनेंट्स करते जाएंगे तो लास्ट में साइन वेव बनेगी वापस या कॉस वेव. ठीक है, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ दैट. तो जो कि हमें एक अच्छी वेव चाहिए, वी नीड अ डिजिटल वेव, अ गुड डिजिटल वेव, हमें इसको जब पहुंचाना है दूसरी जगह पर. ठीक है, इट शुड बी इन इट्स गुड फॉर्म बट रिजनरेटेड, जहां पर हमारा एम्पलीफायर होगा और बाकी चीजें होगी. So we have to keep in mind कि ये हमें लगता है free lunch यहाँ पे human उसको और बाकी ऊपर वाले devices को, लेकिन नीचे वाले devices बेचारे जो है जो असल में amplifiers हैं, जो हमारे repeaters हैं और बाकी चीजें, उनके लिए इतनी आसान चीज नहीं है. When we feed this thing to them, they actually have to work with all of those components जो इसमें present है. So you would have to design it in that sense. और मैंने spectrum जो बोला, spectrum इसी को बोलते हैं कि आपके पास total आपका frequency component जो है वो कितने हैं एक particular wave में. That will be called spectrum. तो एक simple sine wave जो है उसका spectrum one है, यानी कि वही frequency f जो उसकी होगी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा spectrum होगा. ठीक है, so all the frequency components present in this particular signal will be called its spectrum. तो इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे इस lecture को next class में.